नैनीताल जिला प्रशासन ने अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मदरसों में अव्यवस्था पाए जाने पर प्रशासन ने अवैध मदरसों को सील कर दिया है। वहीं हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा कि हमारे द्वारा मदरसे में चेकिंग अभियान चलाया गया और कमरों में जाकर साफ सफाई की व्यवस्थाओं को भी देखा गया। उन्होंने बताया कि मौके पर यहाँ पर बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, ना ही पीने का स्वच्छ पानी है और ना ही यहाँ पर रहने की कोई उचित व्यवस्था पाई गई है। जिन कमरों में बच्चे रहते हैं वहाँ भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण हमने इस मदरसे को सील कर दिया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।